अस्सलामु अलैकुम। आज हम बनाएंगे चिकन सूप, जिसे बनाना बेहद आसान है और इसके कई सारे फ़ायदे भी हैं। अगर आप इसे चाहे तो वेट लूज के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आज की रेसिपी बनाने के लिए हमें चाहिए होगा एक बारीक कटा हुआ प्याज, हरा धनिया बारीक कटा हुआ, 5 से 6 बारीक कटी हुई लहसुन की कलियाँ, 1 इंच अदरक बारीक कटा हुआ, आधी गाजर बारीक कटी हुई, 2 से 3 हरी मिर्च बारीक कटी हुई। इसके अलावा मैंने यहाँ पे लिया है 150 ग्राम चिकन, 1 टीस्पून बटर, 1 टेबलस्पून नींबू का रस, 8 से 10 काली मिर्च कुटी हुई, 1 टेबलस्पून सॉल्ट, सॉल्ट आप अपने अकॉर्डिंग भी ले सकते हैं, और 1 टेबलस्पून कॉर्नफ्लावर। इसके अलावा हमें चाहिए सोया सॉस, सोया सॉस ऑप्शनल है, आप सब्ज़ी अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ले सकते हैं, आपको जो सब्ज़ियाँ पसंद हो आप उनका इस्तेमाल करें। सबसे पहले हमें एक पैन लेना, पैन में मैंने 1 कप पानी लिया, इसमें मैं चिकन डालूंगी और 1/2 टेबल स्पून सॉल्ट डाल करके इसे 10 से 15 मिनट के लिए बॉईल कर लूँगी। हमें चिकन को अच्छे से गला लेना है, तो आप इसे ढक करके 10 से 15 मिनट के लिए पकने के लिए छोड़ दें। 15 मिनट हो चुके हैं और आप देख सकते हो हमारा चिकन अच्छे से गल चुका है, तो हम चिकन को इस पानी में से निकाल लेंगे। अब हमें बॉयल चिकन के रेशे को अलग कर लेना है। आप इसे हाथों की मदद से भी कर सकते हैं या फिर यहाँ पे आप फोक का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आपको सारे चिकन को रेशों में तोड़ देना है। इससे क्या होगा कि जब आप इसे सूप में डालोगे तो ये बाकी सारी चीज़ों के साथ बहुत ईजिली डिजॉल्व हो जाएगा और ये खाने में बहुत ही टेस्टी लगेगा। अगर आपको माइल्ड फीवर और सर्दी है तो आप इस सूप का यूज़ करें, आपकी तबीयत बहुत ही जल्द ठीक हो जाएगी और आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। तो आप एक बार मेरे कहने पर ज़रूर ट्राई करें इसे। चलिए हम नेक्स्ट स्टेप की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पे मैंने एक पैन लिया है और उसमें मैंने बटर ऐड किया है। बटर जब हमारा थोड़ा सा मेल्ट हो जाएगा तब हम इसमें ऐड करेंगे जिंजर गार्लिक बारीक कटी हुई, और इसे हमें कम से कम 30 सेकंड्स तक अच्छे से भुनना है। आप इसे कंटिन्यू चम्मच की मदद से चलाते रहें। थर्टी सेकेंड्स अब हो चुके हैं, तब हम इसमें ऐड करेंगे बारीक कटी हुई गाजर, हरी मिर्च और प्याज। इसे हमें 2 मिनट तक लो फ्लेम पे पकाना है। इस सूप के बहुत सारे फ़ायदे हैं। अगर आप वेट लूज़ करना चाहते हैं तो आप ये सूप पिए, इससे वेट लूज़ में भी बहुत फ़ायदा होता है और ये बहुत ही हेल्दी होती है और इससे बहुत ही ज़्यादा एनर्जी भी मिलेगी आपको। यहाँ पे आप वेजिटेबल्स आप अपने अकॉर्डिंग ऐड करें। यहाँ पे मैंने बंदा को भी ऐड नहीं किया, अगर आपके पास बंदा को भी अवेलेबल हो तो आप उसे भी ऐड कर सकते हो। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग सारे वेजिटेबल्स को ऐड करें, आपको जो पसंद है आप उसे ऐड करें, जो आपको नहीं पसंद है उसे आप स्किप कर दें। यहाँ पे मैंने चिकन ऐड कर लिया है अब, और इसे भी मैं 2 मिनट तक पकाऊंगी। दो मिनट हो चुके हैं तो अब मैं इसमें ऐड करूँगी पानी। मैंने यहाँ पे 1 कप पानी ऐड किया है। अब मैं इसमें ऐड करूँगी कुटी हुई काली मिर्च। यहाँ पर मैंने 8 से 10 कुटी हुई काली मिर्च लिया है। अगर आप सूप ज़्यादा स्पाइसी बनाना चाहते हैं तो आप ज़्यादा काली मिर्चों को भी ऐड कर सकते हैं। इसके अलावा मैंने यहाँ पे ऐड किया है लेमन जूस, साथ ही मैं ऐड करूँगी सॉल्ट 1/2 टेबल स्पून और सोया सॉस। सोया सॉस ऑप्शनल है, आप चाहे तो इसे ऐड करें वरना आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। इसके साथ साथ मैं यहाँ पे 1 टेबल स्पून कॉर्नफ्लावर को पानी में घोल करके इसमें ऐड करूँगी, जिससे इसकी कंसिस्टेंसी अच्छी हो सके। अब लास्ट में मैं यहाँ पे ऐड करूँगी बारीक कटा हुआ हरा धनिया। अब हम इसे लो फ्लेम पे 10 मिनट तक ढककर पकाएंगे। दस मिनट हो चुके हैं और हमारा सूप रेडी हो चुका है और इसकी कंसिस्टेंसी भी बिल्कुल परफेक्ट है, तो अब हम इसे सर्व करेंगे। आप देख सकते हो हमारा सूप दिखने में जितना टेस्टी लग रहा है, ये पीने में उतना ही टेस्टी होगा। आप एक बार ज़रूर ट्राई करें। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरे वीडियो को लाइक करें। अगर मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।